के जनप्रतिनिधियों द्वारा, यहाँ के नगर पालिका द्वारा, हम लोग जब से यहाँ देख रहे हैं शहर में ना तो किसी गाड़ी को पार्क करने की जगह है, और जिस भी जनपद को अगर विकासशील बनाना है तो उसके सबसे पहले उस नगर पालिका के अंदर पार्किंग व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे शहर में जाम न लगे और आए दिन जो यात्रियों को, आम जनमानस को परेशानी हो रही है, आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारा जिला बिजी हैप्टिक लाइफ स्टाइल सबकी है और सबके पास रोजमर्रे के काम है जो आना जाना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग जाते हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ओवर ब्रिज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हैव बीन फेस्ड, और उसके बाद भी बहुत सारा सॉल्व हो चुका है। ओवर ब्रिज बनने की वजह से अभी लोगों को कम दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी अभी ट्रैफिक की समस्या कम हो रही है। तो पार्किंग इज एसेंशियल नेसेसरी फॉर ऑल द सोसाइटीज एंड पीपल्स ऑफ द सोसाइटी। को कई बार निर्देश दिए गए हैं कि वो पार्किंग के लिए स्थान खोजे, और इस संबंध में आज अतिक्रमण हटवाया भी गया है चौक बाजार से। काफ़ी फल ठेले ये सब लगा करके पूरा रास्ता जाम कर दे रहे हैं, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं है। गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं बैंकों के सामने, मल्टीप्लेक्स से जो आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनके सामने, और वो गाड़ियाँ जब खड़ी रहती हैं तो उससे भी यातायात अवरुद्ध हो जाता है। तो ये निर्देश दिए गए हैं नगर पालिका को, बलिया को खास तौर से, कि वो मल्टी स्टोरी पार्किंग की जगह खोज करके प्रस्ताव दें और उस प्रस्ताव पर शासन को भेज करके उसकी धनराशि भी स्वीकृत कराई जाए। उसी संबंध में अभी सिटी मॉल को नोटिस भी दिया गया है, सिटी मॉल वालों के साथ कार्रवाई चल रही है ना। बैंक ऑफिस कोई निर्माणाधीन होता है तो विनियमित क्षेत्र को भी ये अवगत कराया गया है कि वो कोई भी नक्शा इस प्रकार का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का बिना पार्किंग की सुविधा के उसको पास न करें।